दी स्टोरी ऑफ द फॉरगॉटन हीरो। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आप लोग, एक आमिर खान की मूवी आई थी लगान, उस मूवी को सबने देखा होगा। और उस मूवी, वो मूवी जो था बेसिकली क्रिकेट पे था, तो उस मूवी में एक पात्र था, वो उसमें एक पात्र था कचड़, आपने सुना होगा, जो एक स्पिनर था, तो बाएं हाथ के स्पिनर था। तो जी हाँ, उसी कहानी से ओतप्रोत कुछ आज की ऐसी कहानी है, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये एक सत्य कहानी है, द स्टोरी ऑफ द फॉरगॉटन हीरो। जी हाँ, एक ऐसे हीरो जिसको हम लोग भूल चुके हैं। ये भारतीय क्रिकेट की बहुत ही आकर्षक कहानी है, या यूँ कहें कि भारतीय क्रिकेट का यही समय था, यहीं से यही इंसान था जिसने भारतीय क्रिकेट को एक पहचान दिलाई, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जिनको कभी कभी भी दुनिया का बाएं हाथ का सबसे ऑफ स्पिनर में से एक माना जाता था, जिन्होंने 1905 और 19 के बीच तक अपना क्रिकेटिंग करियर को अंजाम दिया। पलवानकर बालू, जी उनका नाम था पलवानकर बालू, एक भारतीय क्रिकेटर थे जिनका जन्म धारवाड़ मुंबई में हुआ था, और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में 112वीं इन्फेंट्री वो रेजिमेंट के सिपाही थे। बालू ने पुणे में जब भी वो इंग्लिश जितने प्लेयर थे, अधिकारी थे, जब वो कभी कभी क्रिकेट खेला करते थे, उनके जितने इक्विपमेंट होते थे, छूटे हुए इक्विपमेंट, तो उन्हीं के साथ बालू ने अपने क्रिकेट को खेलना स्टार्ट किया। और बाद में धीरे 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 वो परमानंद जीवनदास हिंदू जिमखाना के द्वारा चुने गए, जहाँ पे जाकर के बॉम्बे कॉन्डोलर टूर्नामेंट खेला गया। वो बॉम्बे बरार और उसके बाद फिर रेलवे के लिए भी काम किया, बाद में उन्होंने कॉर्पोरेट लीग भी खेला। और जब 1911 में इंग्लैंड के टूर पे पटियाला के महाराज के अंडर में जब अखिल भारतीय टीम गई, तो जिसमें बालू भी एक हिस्सा था, और उन्होंने उस टूर पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा हुई। बालू के तीन भाई थे, पलवानकर शिवराम, विठल पलवानकर और पलकावकर गणपत, जो कि प्रथम श्रेणी क्रिकेटर भी थे। अब हम बालू की क्रिकेटिंग करियर के बारे में बात करें, तो बालू ने पुणे में पारसियों के लिए और बाद में ब्रिटिश पुणे जिमखाना ग्राउंड मेंस के रूप में काम करना शुरू किया, जो कि कभी कभी एक इंग्लिश बल्लेबाज जेजी ग्रेग को गेंदबाजी भी किया करते थे। तो जेजी ग्रेज उनके गेंदबाजी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और उन्होंने स्पिन गेंदबाजी फिर जाकर वहीं से अपनी स्पिन गेंदबाजी को इम्प्रूव किया। और जीजी ग्रेग के इन्फ्लुएंस के कारण ही उन्हें पुणे हिंदू क्लब में खेलने का मौका मिला। और अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर के टाइम में बालू को निचली जाति के होने का या निचली जाति के पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, इसी वजह से उनको काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब वे पुणे में खेले, तो जब भी कभी कभी चाय के इंटरवल में होता था, तो उनको चाय पीने के लिए नॉर्मल ग्लासेस नहीं दी जाती थी, डिस्पोजल ग्लास दिया जाता था। या जब भी उन लोगों का लंच होता था, वो लंच टीम के साथ ना होकर के अकेले खाना खाया करते थे, और उनको खाना सर्व करने के लिए एक 19 के जाति का एक आदमी को रखा गया था, जाके वो हमेशा उनको खाना या कुछ भी जो चाहिए उनको खाने के, या जब भी ना ग्राउंड में ड्रिंक इंटरवल होता था, तो उनको ग्राउंड में और जितने भी प्लेयर थे उनके साथ पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, तो वो बाहर जा कर के ड्रिंक वगैरह किया करते थे। लेकिन दोस्तों, उस जब चार टीमों का एक टूर्नामेंट हुआ जिससे उन्होंने अपने जीवनी को स्टार्ट किया, उस समय भी उनको उस मतलब टूर्नामेंट में एक कैप्टन के रूप में सभी को उम्मीद थी कि एज ए कैप्टन वो सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उनको निचली जाति के होने के कारण उनको कप्तानी से भी वंचित कर दिया गया था। उन्हें भारतीय क्रिकेट में सबसे महान क्रिकेटरों में से एक माना जाता है, और कई जो आपके विशेषज्ञ क्रिकेटर हैं, जो कि बालू को WC ग्रेस के समकक्ष भी मानते हैं। और देखा जाए तो भारत द्वारा निर्मित सही मामले में पहला महान क्रिकेटर थे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की एक छाप छोड़ी। भारतीय क्रिकेट में उनका उदय भारतीय समाज में उत्पीड़न जातियों के उदय के समानांतर चला, और उन्होंने वह नींव रखी जिस नींव पे आज भारतीय जो हमारी जो क्रिकेट टीम है वो आधारित है। आज के डेट में हर जात के खिलाड़ियों को टीम में चुने जाने की संभावना है, और हर एक लोगों को कप्तान बनने के समान अवसर मिलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पास सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों में सभी विविध दस्तों में से एक है। भारतीय क्रिकेट की एक गतिशीलता, या यूँ कहें कि जो इस तरीके से भारतीय टीम चल रही है, उसका बदलाव का श्रेय हमारे दिग्गज पलवानकर बालू जी को ही जाता था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे एक अननोन जो
या आप यूँ कहें अनफॉरगेटन हीरो की ये जीवनी थी, जो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को हिट करें, जिससे आप क्रिकेट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपके पास ताज़ा पहुंचती है। थैंक यू सो मच।